हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम फिर से मिले एक दूसरे के साथ। सो गाइस, क्या चल रहा था? हमने बात की थी लास्ट वीडियो में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात किए थे? आइडियल सॉल्यूशन। और हमारा बच गया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो गाइस, क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन कंडीशन क्या बताया था? बोलिए जल्दी से, कितनी कंडीशन थी आइडियल सॉल्यूशन की? तीन। फर्स्ट वन, बोलिए जल्दी से, विच फॉलो और ओबे लॉस लॉ। सेकंड, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड वन, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो। सर ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गए थे, ये भी हमारे दिमाग में आ गया था। कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन क्यों नहीं है? बिकॉज तीनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकता। सर एक्सेप्टेड दैट। तो नियरली आइडियल सॉल्यूशन के भी कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देख लेते। सर एक्सेप्टेड दैट। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जिनको आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन समझ में आ चुकी है, उनको नॉन आइडियल कंडीशन की, मतलब जो नाम नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उनकी कंडीशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजीली उनको ये कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी। पहली कंडीशन, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, दैट इज व्हाट नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मुझे लगता है कि उनको पहली कंडीशन तो यही पे क्लियर हो चुकी है। सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे देंगे? सो गाइस, किसे देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन? दैट इज व्हाट फर्स्ट वन, व्हिच डू नॉट which do not obey or follow Rawls law. जो हमारा Rawls law को follow नहीं करता है, तो क्या बताया था condition? देख बेटा, Rawls law एक theoretical concept था। Rawls law क्या था? Theoretical concept था कि जो total pressure था वो equal रहेगा P1 plus P2 के। That is what मैं सब बोलूंगा कि अगर ये Rawls law को follow नहीं करते, ये ऐसे solution होते हैं जो Rawls law को follow नहीं करते। It means that जो हमारा टोटल प्रेशर जो रहेगा थियोरेटिकल, ये इक्वल नहीं रहेगा, दैट इज व्हाट टोटल प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व्ड के बराबर है ना। क्या बोला बेटा मैंने? आइडियल की कंडीशन है कि बेटा यहाँ पे वो रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। इट मींस दैट नॉन आइडियल कंडीशन है कि सबसे पहले रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करना चाहिए। किसको फॉलो नहीं करना चाहिए? रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करना चाहिए। इट मींस दैट जो टोटल प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल रहेगा, जो रॉल्स ने बताया, मतलब ये देखिए टोटल प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल रॉल्स का कंसेप्ट था। ओके, रॉल्स ने थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्यों है, तो क्या कह रहे हैं बेटा हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? एक ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। इसके मतलब जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा, जो थ्योरेटिकल निकालेंगे, वो इक्वल नहीं रहेगा जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड। टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड सर कैसे? इट मींस दैट सर हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो हमारा टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड है, ये एक तो ज्यादा होगा या फिर ये कम होगा। एक तो ये मोर होगा या फिर लेस होगा। यस गाइस, हम लोग इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, मजा कभी चलता है ना। ओके, सो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, यहां पे जो है हमारा टोटल ऑब्जर्व प्रेशर जो है, ये एक तो टोटल प्रेशर थ्योरेटिकल से एक तो ज्यादा होगा या फिर उससे कम होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। उन्हीं टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेंगे। तो ये ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल था, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व होगा, एक तो रॉल्स लॉ से ज्यादा होगा या फिर रॉल्स लॉ से कम होगा। बेटा इसी के बेसिस के ऊपर एक तो वो ज्यादा होगा या फिर एक तो कम होगा। डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग बोलेंगे कि यहां पे दो टाइप के सॉल्यूशन, एक है हमारा पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोला बेटा मैंने? जो टोटल ऑब्जर्व प्रेशर है, जो टोटल ऑब्जर्व प्रेशर है, ये रॉस लॉ से एक तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा, क्योंकि मैंने डायरेक्टली बोला ना, वे डज नॉट ओबे रॉस लॉ, जो रॉस लॉ को ओबे नहीं करेगा, जो रॉस लॉ को ओबे नहीं करेगा। इट मींस दैट मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर ये रॉस लॉ को ओबे नहीं करता, इसका मतलब टोटल प्रेशर जो ऑब्जर्व रहेगा, एक तो हमारा रॉस लॉ से ज्यादा होगा या फिर रॉस लॉ से कम होगा। उसी के बेसिस के ऊपर दो तरीके के नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिफाइन किए गए। एक है तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बेसिस के ऊपर, इसी कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर, एक तो वैल्यू ज्यादा होंगे या फिर एक तो वैल्यू कम होंगे, उसी के बेसिस के ऊपर दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिफाइन किए गए। कितने टाइप के डेविएशन? दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिफाइन किए गए। एक है तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो गाइस, फिर से वही बात, अगर यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के, एक है पॉजिटिव डेविएशन, एक है नेगेटिव डेविएशन। सो क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन, क्या होता है नेगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो चलो चेक करते हैं।
क्या कंडीशन है इनके पॉजिटिव डेविएशन ऑन एंड सॉल्यूशन की, क्या होती है कंडीशन नेगेटिव डेविएशन ऑन एंड सॉल्यूशन की। चलो चेक करते हैं, बात करते समझने की कोशिश करते हैं इनको। चलो ठीक है ओके। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डेविएशन ऑन एंड सॉल्यूशन की, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए गाइस समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट से समझते हैं। मान के चलिए फिर से वही वाला एग्जांपल, मान के चलिए कंटेनर है जिसमें सोल्यूट है ओके। चलो इस बार ले लेते हैं ए ए, ये दूसरा कंटेनर ओके, जहां पे हमारा सॉल्वेंट है बी बी ओके, और इन दोनों को मिक्स कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा ए बी ए बी ओके। अब ध्यान दीजिए, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे बेटा, जहां पे जो इंटरैक्टिव फोर्सेस रहेंगे, इंटरैक्टिव फोर्सेस रहेंगे, दैट इज व्हाट जिसको मैं बोल सकता हूं। देखिए इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, बिकॉज इसके बीच में कुछ क्या है बेटा, हमारा इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की सबसे पहली कंडीशन है बेटा कि आप जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है बेटा, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए एंड बी बी, क्या बोला बेटा मैंने, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पहली कंडीशन बात कर रहे हैं कि यहां पे क्या होता है बेटा, जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ए ए एंड बी बी, ये ज्यादा होता है, इज मोर देन इंटर मॉलिकुलर, शॉर्ट में लिख देता हूं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट ए बी, बिटवीन व्हाट ए बी, सबसे पहली कंडीशन बताया बेटा मैंने पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पहली कंडीशन क्या बताया बेटा, सबसे पहली कंडीशन यहां पे क्या होती है बेटा कि जो हमारे ए के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी बी के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू ए बी इन अ सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा बेटा कि इनका इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों का, ए के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी बी के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये दोनों के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे वो जुड़े, जिस अमाउंट से वो जुड़े ओके, जिस मैग्नेट से जुड़े, जिस ताकत से जुड़े, जो फोर्स से जुड़े, उनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। अब बात ऐसी सर, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इससे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब इंडायरेक्टली एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ना, हाँ है ना। अगर बेटा इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता, इन दोनों बीच में ए और बी के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता इसका मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते, लेकिन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो सीधे सिंपल से बात होंगे ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। समझने कोशिश कीजिए ओके। मैंने क्या बोला, इनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। समझने कोशिश कीजिए, अगर इनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है, इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब ये क्लोजली पैक्ड होंगे, और इसके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसका मतलब ये दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि इसका जो वॉल्यूम है, इन दोनों को मिला के यहाँ पे जो वॉल्यूम मिलेगा वो इक्वल रहेगा क्या, नहीं, यहाँ पे इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसका मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा वी मेक्स इसकी जो वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू जीरो आएंगे, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि डेल्टा वी में इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन क्या होगी, जीरो होगी, ऐसा होना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा वी में इसकी वैल्यू क्या आएंगी, जीरो से, मतलब जीरो से बड़ी होंगी ना, सीधी सिंपल सी बात है, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वीक है। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा नहीं है, वीक है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वी में इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे बेटा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगी, ये दूसरी कंडीशन हो गई ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, थर्ड कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करते हैं ओके।
अब ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने क्या बोला बेटा कि इसके बीच में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जा रहा है। अब इसके बीच में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाता है, इसका मतलब इन दोनों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है वो ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। इन दोनों का इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, अगर इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, हाँ है ना, इसका इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसको इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। अब ज्यादा एनर्जी लगेगी इसका मतलब क्या होगा, इसको ऊपर जाकर नीचे आके जो प्रेशर क्रिएट करेंगे इसका प्रेशर भी क्या होगा कम होगा, इसका प्रेशर क्या होगा कम होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे देखो इंटरमोल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया है बेटा, ये सॉल्यूशन ए बी के बीच में जो इंटरमोल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम है, इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि इसको हम लोग इजीली ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इसका बॉलिंग पॉइंट कम होगा, इसका मतलब ये जल्दी से ऊपर जाएंगे और जल्दी से नीचे टकराएंगे, मतलब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। अरे हाँ ना, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो टोटल प्रेशर बेटा जो हम लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसका मतलब थियोरेटिकली मैं जो सोच रहा था कि इसकी जो वैल्यू इन दोनों का जो मतलब इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इक्वल होगा, इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे जो तोड़ने की एनर्जी लगने वाली है, जोड़ने की एनर्जी, या फिर ये जो जितना प्रेशर क्रिएट करेंगे, जितना प्रेशर ये लोग क्रिएट करेंगे उतना सोल्यूशन के अंदर भी ये लोग उतना प्रेशर, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इक्वल होगा तो प्रेशर भी इक्वल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब क्या होगा, ये जितना प्रेशर क्रिएट करेंगे उससे कंपैरेटिवली ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, बिकॉज इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब मैं इसको इजीली ब्रेक कर पाऊंगा, इजीली ब्रेक कर पाऊंगा तो ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा हो ना। अगर ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे इसका मतलब मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता, जो टोटल प्रेशर थ्योरेटिकली हम लोगों ने जो सोचे थे इसके कंपेरेटिवली जो टोटल प्रेशर होगा ऑब्जर्व का, ये क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसको मैं इजीली ब्रेक करूंगा, वो इजीली वेपराइज हो पाएंगे, वो इजीली वेपराइज होंगे तो जल्दी वेपराइज होंगे तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे खुद के सर्फेस के ऊपर, मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसका मतलब ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हमने जो सोचे थे कि यहाँ पे इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके इक्वल होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा तो सेम प्रेशर क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इधर ज्यादा इधर कम है, इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वल प्रेशर क्रिएट कर पाएगी क्या, नहीं, जो हमने सोचे थे उसका कंपेरेटिवली तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, हाँ है ना। तो इसका जो हम लोगों ने सोचे थे कि थ्योरेटिकली जो हम लोगों ने सोचे थे इतने इसका जो प्रेशर होगा टोटल प्रेशर होगा ये इस कंपेरेटिवली क्या दिख रहा है बेटा, कम दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली दिख रहा है कि जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व होगा वो ज्यादा होगा, टोटल प्रेशर ऑब्जर्व ज्यादा होगा, इसका मतलब ये रॉस लॉ को फॉलो नहीं करते, ये तो पहली कंडीशन होगी कि रॉस लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है बेटा ऑब्जर्व ये ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टोटल प्रेशर थ्योरेटिकल। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने देखी कि डेल्टा बी बी की वैल्यू जो ग्रेटर देन जीरो होगी, क्यों, सीधा सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, ए बी के बीच में, अब वीक होगा तो क्या हो जाएगा, इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिपेल करेंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा बी बी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। और थर्ड कंडीशन बेटा, थर्ड कंडीशन किसकी होंगी, डेल्टा एच मीस की। अब बात करते हैं एनर्जी की, ध्यान दीजिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान के चलिए ये मेरा ए ए है, ओके, प्लस ये मेरा बी बी है, एडियो समय क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, क्या मिल रहा है बेटा, ए बी मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए इसको तोड़ने के लिए मुझे मान के चलिए मुझे 40 जूल एनर्जी की जरूरत है, अब बी बी को तोड़ने के लिए भी 40 जूल एनर्जी की जरूरत है। अब बात ऐसी है बेटा कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कम है, इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ सपोज करते हैं 35 जूल एनर्जी इसको जोड़ने के लिए लगी, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसका मतलब इसको देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है ना, इसका मतलब उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या लगेंगे बेटा, कम लगेंगे, इसका मतलब उसको जोड़ने के लिए एनर्जी भी कम लगेंगे, ऐसा हो ना। इसका मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कितने मिले बेटा, 35 जूल एनर्जी मतलब यहाँ पे लग रही है, लेकिन यहाँ पे बात कैसे बेटा कि यहाँ पे एबी के दो मॉलिक्यूल है ना, ए टूट जाएगा बी भी टूट जाएगा, तो यहाँ पे एबी कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसका मतलब यहाँ कितना होगा 70 जूल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, इसका मतलब ये क्या है, तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब एनर्जी है, अगर ये एब्जॉर्ब एनर्जी इसका मतलब ये टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 80 जूल हो जाएगी। अब इसको जोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी कितनी है, 70 जूल, जोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी कितनी है, 70 जूल।
ऐसा ना तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, इससे इसको जोड़ने के लगने वाली एनर्जी कितनी बेटा 70 जूल, दो होने की वजह से यहां पे 70 जूल आया। ओके तो अब ध्यान दीजिए, अब ये क्या हो रहा है बेटा, इसको जोड़ने के लिए एनर्जी, ध्यान में रखिए जब भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होते टाइम में वहां पे क्या होंगे बेटा वैल्यू निगेटिव, एब्जॉर्ब के टाइम में वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ रहे मतलब एनर्जी रिलीज होंगी, एनर्जी रिलीज होंगी इसका मतलब ये वैल्यू क्या होंगी निगेटिव, मतलब -70 है ना। तो ध्यान दीजिए इसका अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसका डिफरेंस अगर चेक करता हूँ तो क्या दिख रहा है बेटा मुझे, जो चेंज इन एंथैल्पी दिख रहा है, जो चेंज इन एंथैल्पी दिख रहा है, डेल्टा एच मिक्स जो दिख रहा है कितना दिख रहा है बेटा 80 - 70 इट बिकम्स हाउ मच +10 जूल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव, एनर्जी पॉजिटिव इसका मतलब क्या हो रहा है वहां पे एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन बनती है बेटा एक्सोथर्मिक हो रही है बेटा, क्या हो रही है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, हाँ ना कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, हाँ ना मतलब डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक हो रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ बेटा, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जहां पे क्या हो सकता है बेटा, सॉरी यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है बेटा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको एब्जॉर्ब में ज्यादा एनर्जी कर रहा है, रिलीज कम एनर्जी कर रहा है, मतलब ये एंडोथर्मिक होगी, सॉरी एंडोथर्मिक होंगी ना, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना। अगर आप देखो ये क्या बेटा डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, तो ध्यान रखिए जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, जो सोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस दिखाएगा, जो प्रोसेस एंडोथर्मिक, जो सोल्यूशन हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस दिखाएगा वो हमारा कौन सा सोल्यूशन होगा बेटा, एक पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, कौन सा होगा बेटा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। ध्यान में रखिए, देखिए बेटा ध्यान दीजिए, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी, इसको लग रही 40 जूल, इसको लग रही 40 जूल, दोनों मिला कितना हो गया 80 जूल। इसका मतलब ये एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन रिलीज कितनी कर रहा है, कम एनर्जी रिलीज कर रहा है ना बेटा, इसका मतलब क्या हो जाए ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है कम रिलीज कर रहा है, ये इसके पहले भी पढ़ा चुका, ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है कम रिलीज कर रहा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना कितनी 10 जूल एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन कौन सा बेटा एंडोथर्मिक, तो जो सोल्यूशन एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन दिखाएंगे वो सबके सब कौन से सोल्यूशन होंगे बेटा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे, कौन से होंगे बेटा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहां पे भी क्या होगा बेटा डेल्टा एच मिक्स जो है बेटा, देखिए पॉजिटिव आया है कितना है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, क्या होगा बेटा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब मैं पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तीन कंडीशन स्पेसिफाई कर सकता हूं, पहला दैट इज टोटल प्रेशर जो थियोरेटिकल रहेगा है ना, और जो टोटल प्रेशर हमारा ऑब्जर्व रहेगा इसमें इसकी वैल्यू ज्यादा होंगी। सेकंड कंडीशन में क्या बोलेंगे जो डेल्टा वी मिक्स है इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होंगी, और थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है डेल्टा एच मिक्स जो है इसकी वैल्यू भी क्या होंगी बेटा ग्रेटर देन जीरो होगी। एंड ये तीन कंडीशन जो सोचेगा मतलब जो बताएगा जहां पे डिसोल्यूशन कौन सा होगा बेटा एंडोथर्मिक दिखेगा, कौन सा दिखेगा एंडोथर्मिक दिखेगा, जहां पे डिसोल्यूशन हमारा एंडोथर्मिक दिखेगा उस सोल्यूशन का, उस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन, क्या बोलेंगे बेटा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है बेटा, जल्दी से समझिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, क्या देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जल्दी से देखिए। ओके देखो जिसको पॉजिटिव डेविएशन समझना उसको निगेटिव डेविएशन जल्दी समझ जाएगा। ओके अब ध्यान दीजिए ग्राफिकल समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब सपोज करते हैं ओके यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है मेरा x1 = 0 मैं 1 ले लेता हूँ, x2 = मैं क्या लेता हूँ 0 लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा x1 = 0 यहाँ पे होगा, ये ग्राफ मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिया था x2 = 1। अब क्या हो जाएगा जहाँ पे x1 = 1 है और x2 = 0, इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूट की बात चल रही होंगी, सोल्यूट की बात चल रही मतलब आप उसका प्योर प्रेशर होगा दैट इज व्हाट P1 नॉट। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे प्योर प्रेशर ऑफ सोल्यूट होगा है ना P2 0 है ना। लेकिन बात कैसे होंगी जैसे जैसे मैं इधर से इधर जाऊंगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और जैसे जैसे इधर से इधर आऊंगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेता, मेरे डायग्राम वैसे भी खराब है आप लोगों को पता है, मैंने इसके पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, क्योंकि कुछ इस तरह से है ना, और उसका हमारा टोटल प्रेशर ऑब्जर्व ये वाला हो जाएगा बराबर है। लेकिन बात कैसी चल रही है बेटा, बात ऐसी चल रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा हमारा जो प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर है वो क्या हो रहा है ऑब्जर्व प्रेशर जो दिख रहा है वो बढ़ रहा है ना, ऑब्जर्व प्रेशर क्या दिख रहा है बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा ये हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, ये भी हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमारा टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाट दिस वन इज योर P1, दिस वन इज P2 एंड दिस वन इज P टोटल। और ये किसका अगर आप होंगे बेटा दैट इज व्हाट पॉजिटिव डेविएशन दिख रहा है आप लोगों को, पॉजिटिव डेविएशन दिख रहा है ना, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है बेटा, ये उन्हीं को समझाए जिसको कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट बेटा, जिसको कंसेप्ट क्लियर है उसको इजीली समझ में आ जाता है। सीधे सिंपल से दिख रहा है कि जो प्रेशर ऑब्जर्व दिख रहा है हम लोग को ज्यादा दिख रहा है, प्रेशर ऑब्जर्व जो दिख रहा है बेटा ज्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू प्रेशर थियोरेटिकल।
टोटल प्रेशर थ्योरेटिकल, इट मींस दैट इसी वजह से यहां पे पॉजिटिव डेविएशन मतलब ऊपर वाला डेविएशन देखिएगा, दैट इज व्हाट दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो सर क्या होता है फिर नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन? बेटा जिसको ये समझाया ना पॉजिटिव उसको नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे ही समझ गया। ओके इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं, एग्जांपल के तौर पे इसका एग्जांपल है इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन। ओके उसके बाद सेकंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। ये ऐसे सॉल्यूशन है जो क्या दिखा, कौन सी सॉल्यूशन है बेटा दैट इज व्हाट पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। किसके एग्जांपल है बेटा पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। गाइस अगर ये समझाए तो आप लोगों को नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी समझ जाएगा। जस्ट दिस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस क्या होता है हमारा नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको ये समझाए ना उसको वो भी बहुत ही इजीली समझ जाएगा, बहुत ही आसान है बेटा। सेम कंसेप्ट नेक्स्ट है हमारा पी नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर से अब नेगेटिव डेविएशन बेटा यही पे क्लियर हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से भी एग्जांपल है, देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बीबी है, बीबी बीबी नहीं रे बाबा, बीबी बाबू राव रे बाबा, बीबी बीबी नहीं, ओके दैट इज व्हाट ए बी ए बी। अब सीधी सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है बेटा नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे जो ए ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेशन है और बी बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेशन है दैट इज व्हाट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए ए एंड बी बी इज वीकर देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। यहाँ पे क्या होता है बेटा इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू ए बी क्या होता है बेटा कम होता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों लविंग ईच अदर है, ये दोनों क्या बेटा लविंग ईच अदर है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को, इतना प्यार करते हैं कि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे को इसे घट्टे पकड़ लिए। इसका मतलब इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बेटा ज्यादा है। तो सर अब बात ऐसी है कि अगर यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक है तो इसको हम लोग कम एनर्जी लगेगी, कम इसको इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगी, है ना, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। इसका मतलब ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, ये क्या करेंगे बेटा ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे एज कम्पेयर टू दिस वन। इसका मतलब टिल देन हमें क्या कंडीशन मिलेगी, जो हमारा टोटल प्रेशर है क्या बेटा टोटल प्रेशर जो है थियोरेटिकल इसकी वैल्यू इस बार ज्यादा होगी क्योंकि ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे ना एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेशन ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेशन ज्यादा है इसका मतलब उसको ज्यादा तोड़ने के लिए एनर्जी लगेंगे और ज्यादा तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी इट मीन दैट कि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका मतलब कम प्रेशर क्रिएट करेंगे। मतलब हम जो सोचते थे कि इनको ऐड करने के बाद जब हमारा सॉल्यूशन बनेगा तो प्रेशर इक्वल होगा, प्रेशर इक्वल होना चाहिए हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। कंसेप्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा हम जो सोच रहे थे कि पी टोटल थ्योरेटिकल की जो वैल्यू है वो इससे इक्वल है वैसा होगा क्या नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या बेटा इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा इसका मतलब वो कम प्रेशर क्रिएट करेंगे, इसी वजह से पी टोटल थ्योरेटिकल जो है बेटा ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू पी टोटल ऑब्जर्व किया। हाँ है ना, ये हमारी पहली कंडीशन हो जाएंगी दैट इज व्हाट पी टोटल थियोरेटिकल इज ग्रेटर देन पी टोटल ऑब्जर्व किया, पहली कंडीशन। अब सीधी सिंपल सी बात है सर, दूसरी कंडीशन अब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब पार्टिकल एक दोनों क्लोज पे आ जाएंगे, एकदम पास पास में आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा चेंज, है ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम देखिए कम वॉल्यूम हो जाएगा ना, बिकॉज एकदम क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेशन ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेशन ज्यादा मतलब एक दूसरे को बहुत ज्यादा करीब है, करीब है मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन डेल्टा बी मेक्स इसकी जो वैल्यू कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू जीरो, हाय ना वॉल्यूम कम हो जाएगा ना यहाँ पे, हाय ना, तो डेल्टा बी मेक्स क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो थर्ड कंडीशन क्या बेटा, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, जैसे कि मान चलिए हमारा ए है,
ये बीपी है ना, और जिससे हमारा बना है एबी। क्या बना बेटा अभी? अब यहाँ पे इंटरमोलर को फोर्स ऑपरेशन वीक है, मान के लिए इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगी 20 जूल, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगी 20 जूल, हाँ है ना। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे इंटरमोलर को फोर्स ऑपरेशन ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेंगी। मतलब देखिए अब बात ऐसी कि मान के लिए इससे एनर्जी ज्यादा लगी, इसका मतलब मान के लिए 22 जूल यहाँ पे एनर्जी लग रही है, लेकिन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 44 जूल हो जाएगा, हाँ है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे टोटल हमारा एनर्जी कितनी लग रही है, दैट इज व्हाट 40 जूल, लेकिन यहाँ पे कितने बेटा। अब देखिए अभी जोड़ने के लिए लगना है, ये तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, और जब बॉन्ड बनता है नया मॉलिक्यूल बनता है तो उसको जोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, इसका मतलब जोड़ने के लिए, इसका मतलब क्या हो गया, जोड़ने के लिए एनर्जी मतलब आप एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब वैल्यू कहेंगे -44। ये तोड़ने के लिए लग रही है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब करे मतलब वैल्यू कहेंगे पॉजिटिव, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितना होगा -4 जूल। मतलब आप एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब डिसोल्यूशन कौन होगा, एक्सोथर्मिक होगा, डिसोल्यूशन कौन होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा वी सॉरी डेल्टा एच मिक्स जो है, डेल्टा एच मिक्स ये भी क्या हो जाएगा लेस देन जीरो, हाँ है ना, वैल्यू निगेटिव आ रही है, डेल्टा एच मिक्स क्या आई है जीरो आई है, इसका मतलब यहाँ पे डिसोल्यूशन कौन होगा एक्सोथर्मिक, मतलब जो सोल्यूशन एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन दिखाता है, जो सोल्यूशन हमारा एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन दिखाता है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है, कौन सा होता है नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है, इज दैट क्लियर। तो ये उसके हो गए बेटा कंडीशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं बेटा, हाँ मैं थोड़ा सा फास्ट है लेकिन गाइस जिसका कॉन्सेंट्रेशन उसको एकदम से समझ में आ गया, कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है बेटा, एक ही चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोला बेटा इंटरमोलर को फोर्स ऑपरेशन मैटर करता है, इंटरमोलर देखिए मैंने पहले ही बोला कि हमारा ये सब कुछ खेल किसको पे डिपेंड कर रहा है बेटा, इंटरमोलर फोर्स ऑपरेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, इज दैट क्लियर। चलो ग्राफ देख लेते हैं, सो गाइस ग्राफ कैसे होगा, अब देखिए सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन दिख रहा है तो ग्राफ कैसे होगा आप समझ सकते हो, हाँ आना बिल्कुल इजी है सर, अब तो हम भी को ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल सही कहा बेटा आप लोगों ने, अभी आप भी ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज व्हाट कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पे x1=1 है, x2=0 है, यहाँ पे x1=0 है, x2=1 कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ओनली सॉल्वेंट वाली कंडीशन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हमारा P1 नॉट हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्वेंट इसका मतलब यहाँ पे P2 नॉट हो जाएगा, बराबर है ना ओके। इसके बाद जैसे जैसे मैं इधर बढ़ूंगा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, इसका प्रेशर इधर कम हो जाएगा, इट मीन दैट यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा टोटल प्रेशर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन दिख रहा है, नेगेटिव डेविएशन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, इसका भी प्रेशर कम हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर दिखा हो जाएगा कम हो जाएगा, दैट इज व्हाट पी टोटल, दैट इज P1 एंड दिस वन इज योर P2, दिस इज द ग्राफ ऑफ नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज ऑल अबाउट आइडियल सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन गाइज। आई होप सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अगर फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से देखे, देखिए जिसको आइडियल समझा उसी को नॉन आइडियल समझेगा, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन का जो वीडियो है बेटा उसको समझने के लिए पहले आप लोगों को आइडियल सोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, आइडियल सोल्यूशन को समझने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को रॉयल्स लॉ पता होना चाहिए, वेपर प्रेशर पता होना चाहिए, सब बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए, तो एक भी वीडियो को छोड़िएगा मत, हर एक चीज को सिक्वेंशियली देखिए बेटा। सो गाइज आई होप सो आज का पढ़ाया टॉपिक आप लोगों को क्लियर है, तो Have a nice day. Thank you so much. Hip hip. Hooray. Thank you.